क्या आपने कभी सुना है कि प्रयागराज में एक ऐसा शिवलिंग है जिसकी स्थापना स्वयं सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने की थी। जी हाँ, प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पर स्थित ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास बहुत पुराना और पौराणिक है। कहते हैं भगवान ब्रह्मा ने जब पृथ्वी पर पहला यज्ञ किया तभी उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना की। इस शिवलिंग को ब्रह्मेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। ये एकमात्र शिवलिंग है जो भगवान ब्रह्मा की उपस्थिति में स्थापित हुआ है। पुराणों में भी इस शिवलिंग की महिमा का वर्णन मिलता है। पुराण में यहाँ का जो इतिहास मिलता है तो ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम जो यज्ञ किया था तो प्रयागराज के घाट में ही आकर के उन्होंने किया था और यज्ञ के दौरान ही यहाँ पर उन्होंने दशाश्वमेध भगवान की मूर्ति की यहाँ पर उन्होंने स्थापना की। आस्था की नगरी प्रयागराज अपने धार्मिक और पौराणिक कथाओं के चलते देश भर के भक्तों को आकर्षित करता है। यहाँ पर सबसे पहले भगवान ब्रह्मा द्वारा किए गए यज्ञ का साक्षी दशाश्वमेध घाट है। दशाश्वमेधेश्वर शिवलिंग को देखने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। यहाँ मंदिर भगवान ब्रह्मा के द्वारा किए गए प्रथम यज्ञ का प्रतीक है। देखिए यहाँ पर दो शिवलिंग की जो स्थापना है इसका इतिहासों में और पुराणों में जो वर्णित है तो जब ब्रह्मा जी ने यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना किया और उस शिवलिंग का जो उन्होंने नाम दिया था वो दशाश्वमेध भगवान के नाम दिया। इस शिवलिंग पर मुगल काल में औरंगजेब ने तलवार से हमला किया था। औरंगजेब ने प्रयागराज के कई मंदिरों में स्थापित मूर्तियों को खंडित करने का प्रयास किया। जब उन्होंने दशाश्वमेधेश्वर शिवलिंग पर वार किया तो शिवलिंग से रक्त की धारा बहने लगी। यह देखकर औरंगजेब ने इसे जिंदा मानकर छोड़ दिया। सनातन धर्म में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इसलिए मंदिर के पुजारी ने भगवान ब्रह्मा के नाम से ब्रह्मेश्वर शिवलिंग की स्थापना कर दी। मुगल के शासन में औरंगजेब ने जब मूर्तियों को खंडित करना प्रारंभ किया तो वो खंडित करते करते दशाश्वमेध मंदिर में भी यहाँ पर वो आए और यहाँ उन्होंने अपने तलवार से मूर्ति के ऊपर वार किया। जब वार करते ही मूर्तियों से खून की धारा बहने लगी तो उनको एहसास हुआ अपने मूर्तियों में प्राण है, जीव है और ऐसा करके वो जब चले गए तो हमारे यहाँ के जो प्रधान पुजारी उस समय के थे और सभी महात्माओं ने ये किया कि खंडित मूर्तियों का पूजन नहीं करना चाहिए तो उन्हीं के ठीक बगल में एक मूर्ति की और स्थापना कर दिया गया और उस मूर्ति का नाम दिया गया ब्रह्मेश्वर महादेव। इसलिए इस मंदिर में दो शिवलिंग की स्थापना है, एक दशाश्वमेध भगवान के नाम से है और दूसरा ब्रह्मेश्वर महादेव के नाम से। इस मंदिर की एक और खास बात यह है कि यह मंदिर भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव के शिवलिंग की एकमात्र स्थान है। वैसे तो कई प्रमुख मंदिरों में एक साथ शिवलिंग स्थापित किए गए हैं, लेकिन भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव का ये अनोखा संगम केवल प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पर स्थित है। सावन के दौरान इस मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ती है जो यहां आकर शिवलिंग की पूजा करते हैं और भगवान ब्रह्मा और शिव की कृपा को प्राप्त करते हैं। इस मंदिर का उल्लेख जो शास्त्र में अपने मिलता है, शिव महापुराण के कोट रुद्र संहिता में दशाश्वमेध भगवान मंदिर का उल्लेख वर्णित है। शिव महापुराण के कोट रुद्र संहिता में आज भी यह शिवलिंग प्रयागराज की धार्मिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मंदिर के पुजारी अम्बुज द्विवेदी बताते हैं कि सावन के महीने में यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी इसकी बड़ी मान्यता है। लोकल 18 के लिए प्रयागराज से रजनीश यादव की रिपोर्ट।